हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू मी एंडस रिव्यू। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए धमाकेदार एपिसोड में, जिसका नाम है बॉलीवुड टुडे। आज हम बॉलीवुड टुडे में जानेंगे बॉलीवुड से जुड़ी हर एक न्यूज़ और गॉसिप्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए जानते हैं सबसे पहली खबर है एक्ट्रेस हर्षिता कश्यप के बारे में। महिलाओं के साथ बदसुलूकी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल जानी मानी टीवी एक्ट्रेस और स्प्लिट्सविला की एक्स कंटेस्टेंट हर्षिता कश्यप के साथ बदसुलूकी की घटना सामने आई है। एक्ट्रेस ने बताया कि एक मनचला रेलवे स्टेशन पर लगातार उन्हें घूर रहा था। कुछ देर बाद वह उनका और उनकी दोस्त का पीछा करने लगा। इस पर उन्होंने उसे टोक दिया, जिसको लेकर उसने मारपीट शुरू कर दी। बता दें कि आरोपी शख्स अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर है पति पत्नी और वो मूवी से। इस मूवी का रिव्यू अब सामने आया है, जिसे तरण आदर्श ने दिया है। कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की पति पत्नी और वो शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। रिलीज से एक दिन पहले तरण आदर्श ने इस फिल्म का जिसका रिव्यू उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। तरण आदर्श ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं, यानी दर्शकों को यह फिल्म फुल एंटरटेनमेंट करने वाली है। बता दें यह फिल्म 1978 में आई बीआर चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी और वो का रीमेक है। आइए बढ़ते अगली खबर पर। अगली खबर आती है ऋतिक रोशन से। दरअसल ऋतिक रोशन बने 2090 के सबसे सेक्सी आशियाई पुरुष। इस साल वॉर और सुपर 30 जैसी हिट फिल्में देने वाले एक्टर ऋतिक रोशन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दरअसल ऋतिक रोशन सेक्सिस्ट एशियन मेल ऑफ 2019 बन गए हैं। उन्होंने लंदन में 4th ऑफ सितंबर को यह किताब अपने नाम किया। बता दें कि ब्रिटिश न्यूज वीकली ईस्टर्न आई ने 45 ईयर्स वाले ऋतिक को अपने सेक्सिस्ट एशियाई मेल की सूची में टॉप पर जगह दे दी है। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर आती है प्रियंका चोपड़ा जोनस से। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने हाल ही में यूनिसेफ का डेनिकाई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीत लिया है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा जोनस दरअसल अफ्रीका में लोगों को इंग्लिश सिखा रही है। उसी के साथ उन्होंने बॉलीवुड के कुछ स्टेप्स भी उन्हें सिखाए, जिसे सीखने के लिए वो लोग काफ़ी हैप्पी भी थे। आइए बढ़ते अगली खबर पर। अगली खबर आती है आलिया भट्ट से। आलिया भट्ट ने रिवील किया कि वो जल्दी ही संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म पर काम शुरू करने वाली है, जिस फिल्म का नाम होगा गंगूबाई काठियावाड़ी। आपको बता दें कि यशस राजमौली की डायरेक्शन में आई RRR फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। उसी के साथ ब्रह्मास्त्र की भी शूटिंग अब कंप्लीट होने वाली है। सड़क 2 की शूटिंग 90% हो चुकी है। आलिया भट्ट के लिए 2020 काफ़ी बिजी होने वाला है। आलिया भट्ट की नेक्स्ट मूवी ब्रह्मास्त्र होगी, जो कि समर 2020 में रिलीज होगी। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर है करण जौहर के बारे में। करण जौहर ने दीपिका पादुकोण को नेक्स्ट फिल्म के लिए साइन किया है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण करण जौहर के काफ़ी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। रणवीर काफ़ी बार करण जौहर के साथ काम कर चुके हैं। दीपिका को उन्होंने रिसेंटली 2013 में ए जवानी ए दीवानी में काम किया था। एक बार फिर से दीपिका पादुकोण धर्मा प्रोडक्शंस के साथ काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर शायद शकुन बत्रा हो सकते हैं, जिन्होंने कपूर एंड सन्स मूवी डायरेक्ट की थी। अभी तक फिल्म का कोई नाम सामने नहीं आया है। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर आती है प्रियंका चोपड़ा से। प्रियंका चोपड़ा को IMDb ने 2019 की टॉप लिस्ट ऑफ इंडियन स्टार्स ने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट होने के साथ दिशा पाटनी सेकंड और ऋतिक रोशन को थर्ड पोजीशन दी गई है। ये लिस्ट IMDb ने प्रेजेंट की। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर आती है मूवी द बॉडी से। द बॉडी मूवी का नया सॉन्ग यानी खुदा हाफिज अब आ चुका है। अरिजीत सिंह ने इस सॉन्ग को आवाज़ दी है। ये फिल्म में इमरान हाशमी और वेदिका लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर है दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका ने रिसेंटली रिवील किया था कि वो काफ़ी साल डिप्रेशन में रही थी और उनके स्ट्रगल के दिनों के वक्त डिप्रेशन की वजह से उन्होंने लाखों लोगों को इनकरेज किया है कि वो डिप्रेशन से बाहर आए। 2015 में कॉकटेल में काम करते वक्त उन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उस फाउंडेशन का नाम था द
लिव लव लाफ फाउंडेशन, और उन्होंने उसके बाद एक कैंपेन भी शुरू किया था जिससे वो लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकाल सके। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर आती है तैमूर अली खान से। सोशल मीडिया की फेवरेट क्यूटी पाई यानी कि तैमूर। रिसेंटली तैमूर एक एयरपोर्ट पर रो पड़े। दरअसल हुआ ये कि फ्लाइट को एक्सचेंज करते वक्त काफ़ी हलचल थी और इसी वजह से तैमूर अली खान रो पड़े। आइए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। अगली खबर आती है कृति सेनन से। कृति सेनन ने हाल ही में कहा कि अक्षय कुमार ये बेस्ट को स्टार है उनकी सिस्टर नुपु सेनन को डिब्यूट करने के लिए। आपको बता दें कि कृति सेनन ने अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 4 मूवी की थी। ये मूवी काफ़ी हिट रही। हाल ही में अक्षय कुमार ने कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन के साथ फिलहाल सॉन्ग किया है और ये सॉन्ग काफ़ी हिट भी रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसा था। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, क्यूरा और टिकटॉक पर। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। खुश रहे, हंसते रहे, अपने आसपास सफाई रखें एंड रिमेंबर सेव ट्रीज दे विल सेव अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट विज़र्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।